हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं मोदी जी की इंटरेक्शन किसके साथ, चेस के चैंपियंस के साथ, एंड शेयर करते हैं उनके वंडरफुल मोमेंट्स। सच्ची में कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ये दोनों बहन भाई हैं मेरे ख्याल से, वो दोनों ने फैंटास्टिक किया। ये भाई है ये वाला और वो बहन है। सर, ये फर्स्ट टाइम इंडिया ने दोनों गोल्ड मेडल जीते और टीम ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया है वो बहुत ही बढ़िया था। मतलब 22 में से 21 पॉइंट बॉयज ने और 22 में से 19 पॉइंट गर्ल्स ने, टोटल 44 में से 40 पॉइंट हमने लिए। इतना बड़ा बढ़िया प्रदर्शन आज तक पहले कभी नहीं हुआ। कभी नहीं। वहां पर क्या माहौल था? पहली बार हम जीते, सब लोग हमारे लिए भी खुश हो गए बहुत, क्योंकि हमने इतना खुशी मनाया। तो सबने एक्चुअली, हर अपोनेंट्स ने भी आके हमें बधाई दी और हमारे लिए एक्चुअली खुश हो गए, इवन अवर अपोनेंट्स आल्सो। सर, हमने देखा है कि लास्ट कुछ सालों में बहुत सारे जो स्पेक्टेटर्स है वो बहुत रूट कर रहे थे कि दूर दूर से वहां पे सिर्फ देखने आए थे ये मैच को, जो पहले मेरे हिसाब से इतना नहीं होता था। Good. तो आई थिंक चेस की popular भी काफी पॉपुलैरिटी बढ़ गई। Good. तो हमें देख के बहुत अच्छा लगा कि रूट कर रहे हैं। थोड़ा प्रेशर भी होता था बट इतना हमें सपोर्ट कर रहे वो एक अच्छा फीलिंग था। और जब हम जीते तब इंडिया इंडिया ऐसे सब रूट कर रहे थे। इस बार 180 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही थी, बल्कि जब चेन्नई में ओलंपियाड हुआ था हम बोथ इंडिया टीम हम ब्रॉन्ज जीते थे। वुमेन टीम का लास्ट मैच यूएसए से हुआ था जो हम हार गए थे और हमारे हाथ से गोल्ड चला गया था उस टाइम। तो हम फिर से उनके साथ इस बार खेले, फिर इस बार हम बहुत ज्यादा मोटिवेटेड थे कि इस बार इंडिया को गोल्ड लाना ही, इनको हराना ही। फाइनली बहुत क्लोज था और ड्रॉ में फिनिश हुआ, बट वी वेंट ऑन टू विन द गोल्ड सर। पर हम इस बार अपनी कंट्री के लिए जीत कर ही वापस आने वाले थे और कोई सेकेंड वे नहीं था। नहीं, ये मिजाज होता है तभी तो विजय मिलता है, है। लेकिन जब इतने नंबर आ गए 22 में थे 21 और 22 में थे 19, तो बाकी खिलाड़ियों का या बाकी लोग जो इस खेल को ऑर्गेनाइज करते हैं उनका क्या रिएक्शन था? सर, आई थिंक गुकेश वांट्स टू आंसर दैट, बट आई जस्ट वांट टू से वन थिंग कि उसमें हमने इतनी कन्विंसिंगली जीता, स्पेशली ओपन टीम में ऐसे लग रहा था कि कोई पास भी नहीं आ सकता है। और हमारी वुमेन टीम में हम पहले 7 मैचेस जीते गए, फिर थोड़ा छोटा सा सेटबैक आया, हमने रेजिलियंस दिखाई, हम वापस आए। पर हमारी ओपन टीम ने तो सर, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, आई थिंक गुकेश बीइंग ऑन बोर्ड 1 वाज बेटर टू आंसर दैट, पर वो भाग के ले गए। Yeah, this experience was really a great team effort. Every single one of us was in like excellent form and we were all super motivated because in the 2022 Olympia we were very close to winning the gold medal. But then there was one game which I had played and I could have won, which would have guaranteed gold medal. I unfortunately lost that game and it was heartbreaking for everyone. So this time we were all super motivated and from the start we were like we are going to win this for the team and yeah, really glad. अच्छा, आपने कभी ये सोचा है कि कभी AI का उपयोग करके अमेरिकन इंडियन को करेक्ट कर सकते हैं या दूसरे की गेम को समझ सके? Yes sir, with AI the chess has evolved, there has been new technology and the computers have become much stronger now and it is showing a lot of new ideas in chess. Hara dega ye. We are still learning from it and I think there is a lot to learn from it. And lot to be scared about. Sir, I think abhi aisa ho gaya ki AI ke tools sabko available ho gaya hai kyunki democratize ho gaya hai aur abhi hum zarur
प्रिपरेशन में यूज करते हैं बताइए? करते हैं कुछ नहीं सर, द एक्सपीरियंस तो बहुत कुछ नहीं, ऐसे जीत लिया ऐसे आ गया गोल आ गया नहीं सर ऐसे नहीं आ गया बहुत मेहनत होती है। आई थिंक सारे मेरे सारे टीममेट्स ने इवन मेंस ने बहुत हार्ड वर्क किया है टू फाइनली गेट टू द स्टेज। मैंने देखा आप में से कईयों के पिता माता डॉक्टर है, पेरेंट्स दोनों डॉक्टर है और मेरी बहन भी डॉक्टर है। तो जब मैं बचपन में उन्हें देखता था कि उनको कभी रात को 2 बजे फोन आ गया पेशेंट का जाना पड़ता था, मुझे लगा मैं जो करियर लूंगा थोड़ा और स्टेबल लूंगा, पर मुझे लगा नहीं था स्पोर्ट्स में और दौड़ना पड़ेगा। मैंने हमेशा देखा है कि आप हर स्पोर्ट और हर स्पोर्ट पर्सन को इतना इनकरेज करते हैं और इतना सपोर्ट करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आपका स्पोर्ट्स से बहुत बड़ा लगाव है हर एक स्पोर्ट से, और मैं उसकी स्टोरी जानना चाहती हूँ। ऐसा मैं आपको बताता हूँ, मैं इतना समझता हूँ कि कोई देश विकसित बनता है, करेक्ट, तो ब्राजील इस बार बड़ा कमाल किया है कि उसके पास कितने पैसे हैं, कितने उद्योग हैं, जीडीपी कितना, इतने से नहीं बनता है। हर फील्ड में वो दुनिया में महारत होनी चाहिए। देखा, स्पोर्ट्स में इंडस्ट्री है तो मैक्सिमम ऑस्कर हमारे यहाँ कैसे आते हैं, अगर साइंटिस्ट हैं या और किसी, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, मैक्सिमम नोबेल हमारे पास कैसे आते हैं। वैसे ही खेल में भी मैक्सिमम गोल्ड हमारे बच्चे कैसे लाएं, ये जब होता है इतने सारे वर्टिकल तब देश महान बनता है। बिल्कुल, यही तो हम बताते रहते हैं। तब भी मैं एक खेल महाकुंभ चलाता था, लाखों बच्चे खेलते थे उसमें, तो मैं बड़ी आयु के लोगों को भी खेलने के लिए प्रेरित करता था, तो उसमें से अच्छे बच्चे आगे आने लग गए। मेरा ये विश्वास है कि हमारे देश के नौजवानों के पास सामर्थ्य है। दूसरा मेरा मत है कि देश में समाज जीवन का जो अच्छा वातावरण बनाना है तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जिसको कहते हैं, वो सिर्फ स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों के लिए नहीं है, वो कल्चर होना चाहिए, समाज जीवन में कल्चर होना चाहिए। हर रोज इतने बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं, तो आप क्या एडवाइस करेंगे हमारे लिए कि ये प्रेशर सिचुएशंस कैसे टैकल कर सकते हैं? देखिए, कोई भी खेल क्यों ना हो, कोई भी एक्टिविटी क्यों ना हो, फिजिकल फिटनेस बहुत मैटर करती है जी। हमें से बहुत लोग होंगे जो फिजिकल फिटनेस के लिए आपकी ट्रेनिंग होती होगी, आपके लिए खान पान के लिए बताया जाता हो कि भाई ये चीजें खाइए, ये चीज खेलने से पहले इतना खाइए, बादाम खाइए, इतना चेंज से क्या खाते हो? मैं समझता हूँ कि हम तो बादाम ही नहीं खाते, खाने चीजों की आदत अगर डेवलप करते हैं तो इन सारी समस्याओं का पचा जाते हैं। देखिए, डिसीजन मेकिंग के लिए आपके पास बहुत इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, बहुत इंफॉर्मेशन, और पॉजिटिव नेगेटिव सब होनी चाहिए। आपको पसंद आता है ऐसा ही सुनने का आदत लगती है, मनुष्य का स्वभाव होता है जो अच्छा लगता है वही सुनता है, होता है, तो वो फिर डिसीजन में गलती होती है। यूट्यूब वाले तो ऐसे ही हैं, लेकिन आप हर प्रकार की चीज को सुनते हैं, हर प्रकार की चीजों को देखा, जानने का प्रयास करते हैं और खुद एनालाइज करते हैं। ये देखा, यूट्यूब वाले एक ही डायरेक्शन में देखते हैं, वो तो पागल है सब, किसी जानकार को पूछते हैं तो फिर आपको कठिनाई कम आती है। और मैं मानता हूं कि कुछ तो अनुभव से आ जाता है, और जैसा मैंने कहा कि योगा मेडिटेशन इसकी सचमुच में बहुत ताकत है जी। करेक्ट सर, हम अभी 2 हफ्ते खेले तो अभी पूरा थक गए, पर आप सालों साल दिन भर इतना काम करते, इतने मतलब पूरा ब्रेक भी नहीं लेते, मोदी जी की इंटरव्यू शुरू कर दी। व्हाट्स द सीक्रेट सर फॉर योर एनर्जी? आप इतना जानते हो एंड देन आल्सो यू आर ओपन टू लर्निंग एंड ओपन टू द वर्ल्ड, और आप हमेशा हर स्पोर्ट पर्सन को आई थिंक इतने जोश से भर देते हो टू परफॉर्म। और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर आप हम सबको एक एडवाइस देना चाहो, आप जहाँ चेस को देखना, शतरंज को देखना चाहते हो? देखिए, ऐसा है, जीवन में कभी संतोष मत मांगिए, सेटिस्फाइड नहीं होना, सेटिस्फेक्शन नहीं होना चाहिए किसी चीज का, और आगे बेटर करें, वरना फिर नींद आना शुरू हो जाता है। तभी आप 3 घंटा सोते हैं सर, आप सिर्फ 3 घंटा सोते हैं? 3 घंटे कहाँ सोते हैं, हमारे भीतर एक भूख रहनी चाहिए, उन्होंने उनको डॉक्टर कुछ नया करने की, कुछ ज्यादा करने की।
हम लोग सभी टूर्नामेंट तभी जीते थे और हम लोग बस में से आ रहे थे और आपका स्पीच हम लोग लाइव देख रहे थे और आपने वहां पे अनाउंस कर दिया वर्ल्ड में कि भारत ने ये ऐतिहासिक 2 गोल्ड मेडल जीते और हम सब लोग उस टाइम साथ में बसते हमें इतनी खुशी हुई सबको कि आपने ये आपके स्पीच में अनाउंस कर दिया पूरी दुनिया के सामने, मतलब वहां पे होंगे ना यूएसए में तो। और उस टाइम पे गैरी कास्परोव, कारपोव ये सब लोग खेलते थे और हम लोग उनका साइन लेने के लिए दौड़ते थे ऑटोग्राफ। इंडिया का तो रैंकिंग बहुत नीचे था, देखा वो था। और इस टाइम पे जब मैं कोच बन के गया था और मैं देखता था कि गुकेश आ रहा है, प्रज्ञानंद आ रहा है, अर्जुन आ रहा है, दिव्या आ रही है, हरिका आ रही है और लोग उनका साइन लेने के लिए तोड़ रहे हैं। तो ये जो बदलाव और ये जो कॉन्फिडेंस नए फील्ड में आया है नए बच्चों में, आई थिंक वो आपका जो विजन है कि इंडिया नंबर 1 होना चाहिए, आई थिंक ये बदलाव आ रहा है सर। थैंक यू सो मच, आपने इतने शॉर्ट नोटिस में, आप यूएस में थे और आपने इतना टाइम, आपका वैल्यूएबल टाइम निकाला हमसे मिलने के लिए, हम बहुत भी मोटिवेट हो गए। मेरा वैल्यू आप ही हैं। क्या प्यारा वीडियो है ये है, ये होता है एक्चुअल प्राइम मिनिस्टर। जिन लोगों को मोदी जी के अगेंस्ट है ना दिमाग में कीड़ा, उनको ये समझ ही नहीं आ रही यार। मैं तो बता रही हूँ सच्ची में, मैं तो दिमाग अपना दीवार से फोड़ती हूँ रोज ये समझाकर कि ये देखो डिफरेंस, ये इंडिया इतनी तरक्की क्यों कर रहा है, क्योंकि हमारा लीडर ऐसा है जो मोटिवेट कर रहा है, इनकरेज कर रहा है। हमारे लीडर का भी वही ड्रीम है जो हमारा ड्रीम है। देखिए होता है किसी भी कंट्री के लिए, पहले वो एसेंशियल चीजों में काम करते हैं, खाना पीना ये सब, स्पोर्ट्स लास्ट आता है। हर कंट्री में ऐसा है कि यूएस में भी सेम था, जो डिप्रेशन हुआ था, हर चीज में पहले आप करते हैं क्रिटिकल चीजें, लास्ट आता है स्पोर्ट्स। जिसका स्पोर्ट्स भी शाइन कर रहा है आप समझ सकते हैं कि ऑलमोस्ट उन्होंने सब कवर कर लिया। सिमिलरली चाइना है, उसने सब कुछ कवर कर लिया, स्पोर्ट्स आगे बढ़ रहा है। अब जो नई कंट्री इस बार अगर लोगों के नजरे में है वो ब्राजील है। जो ब्राजील अच्छा करने लग गई है तो समझ आने लग गया कि उनका भी ऑलमोस्ट जो है सब चीजें सही हो गई हैं, अब स्पोर्ट्स लास्ट टेल बची है, उसके बाद वो भी आगे बढ़ेगा। जो ब्रिक्स में ब्राजील है, तो अब क्वेश्चन ये है, इंडिया, मोदी जी भी कह रहे हैं कि इंडिया को मेक श्योर करना है कि स्पोर्ट्स में आगे बढ़े, हर वर्टिकल में बढ़े, उसके लिए समय लगेगा क्योंकि अभी हमारे 10 भी नहीं आए गोल्ड्स। मगर मोदी जी को पता है विजन कि लास्ट में जब हमारे बहुत सारे गोल्स आने शुरू हो जाएंगे तो समझ लो सारी कंट्री में और क्रिटिकल चीजें हो चुकी हैं। और ये समझ आ जाना चाहिए कि तब समझना कि जो है हम उस सीढ़ी पे, टॉप की पे पहुंच गए हैं जहां पे उसके बाद आप कह सकते हैं कि इंडिया अमीर है। अभी आप नहीं कह सकते इंडिया अमीर है। बहुत ही प्यारा था, बहुत ही। और जिस तरह से मोदी जी हर बारी इनकरेज करते हैं और जब कोई भी अचीवमेंट होती है जहां भी हो वहां इतनी प्राउडली सबको बताते हैं कि भैया इंडिया ने ये किया है, अपनी वो खुशी जो है वो शेयर करते हैं। ये भी जो जीत के आते हैं जब वो सुनते हैं कि मोदी जी वहां पे हैं और वहां पे ऐसे ही हमें कॉन्ग्रेचुलेट करें या हमारी अचीवमेंट को बता रहे हैं, तो वो भी कितना प्राउड फील करते हैं और मोटिवेटेड होते हैं। बट दिस वॉज अमेजिंग, ये अचीवमेंट इज माइंड ब्लोइंग यार। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।